नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सबका स्वागत है कक्षा 7 में। हमारी पहली इकाई है चित्र के संग संग। जो हमने चित्र का अवलोकन किया, उसके बाद स्वाध्याय किया और हमारे दोनों चित्र का हमने स्वाध्याय में से प्रश्न के उत्तर भी लिखे। अब हमारा अगला स्वाध्याय है वह है कि चित्र के प्रश्नों, चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखे। जो सारे उत्तर हमने अगले दो प्रश्नों के, जो दो प्रश्न थे उसके सारे प्रश्नों के उत्तर हमने लिखे हैं, लेकिन इसमें एक बार और फिर है। तो मैं आप सबको पूछूंगी और आप सब मुझको उत्तर देंगे कि वो सारे प्रश्न के उत्तर क्या है। हमारा पहला प्रश्न है कि रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम दीजिए। तो आप सब ने उत्तर लिखा हुआ है अपनी नोट में। तो वह उसका उत्तर है कि रबर से बनी हुई चीज़ यानी कि गेंद, तरह तरह के टायर, पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने वाला रबर और रबर बैंड, ये सारी हमारी रबर से बनी हुई चीज़ें हैं। आप सबको सिर्फ मैं याद करा रही हूँ कि इसमें कौन कौन से उत्तर आ रहे हैं। आप सबको ये उत्तर अपनी नोटबुक में अपनी तरह से लिखने हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि टायर फटने से पहले क्या हो रहा था। कि जो हमारा पहला चित्र था उसका हमने अवलोकन किया था और उसका आंसर उत्तर भी हमने लिखा था। सबको पता है कि टायर फटने से पहले वहाँ पे क्या क्या हो रहा था। तो उसका उत्तर है कि टायर फटने से पहले साइकिल की दुकान वाला टायर में हवा भर रहा था, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था, खुजड़ी सब्जियाँ बेचने जा रही थी, मोची सड़क पर बैठा था और शायद ग्राहक की राह देख रहा था, कुत्ता लेटा हुआ था और तोता डंडे पर बैठा हुआ था। हमारा तीसरा प्रश्न है कि टायर क्यों फटा। उसका उत्तर है कि टायर पुराना था इसलिए हवा अधिक भर जाने से वह फट गया। हमारा चौथा प्रश्न है टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ। तो वो हमारा जो दूसरा चित्र वह था उसका अवलोकन का हमारा पहला उत्तर है कि टायर फटने के बाद वहाँ पे कौन कौन सी क्रियाएँ हो रही थी। तो टायर फटने के बाद टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ता है, कुजड़ी के सिर पर से रखी टोकरी की सब्जियां जमीन पर बिखर पड़ती है, तोता घबरा कर उड़ने लगता है, डोरी से बंधे हुए गुब्बारे अलग होकर हवा में उड़ने लगते हैं, मोची का सामान इधर उधर बिखर पड़ा है और लेटा हुआ कुत्ता भागने लगा है। ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप सब ने अपनी नोटबुक में एक बार तो लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें जो स्वाध्याय मिला है उससे हमें वह प्रश्नों के उत्तर एक बार और लिखने हैं। तो आप सबको वहीं से देखकर ये सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप ही लिखने हैं। हमारा दूसरा प्रश्न जो है वो है कि निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। हमें सिर्फ ये जो परिच्छेद यानी कि जो पैराग्राफ दिया गया है उसको सिर्फ पढ़ना है और आपको ऐसे ही अपनी नोटबुक में लिखना है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। आप सबको तो पढ़ना आता ही है, एक बार हम पढ़ते हैं। सूर्य अस्त होने से पहले ही वह गुरुजी के घर जा पहुंचा। सूर्य अस्त होने से पहले ही वह गुरुजी के घर जा पहुंचा। उसने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किया। उसने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किया। उसके साथियों को जब पता चला कि वह फिर वापस आ गया है, तब वे तरह तरह की बातें बनाने लगे। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटा वरदराज तुम घर नहीं गए क्या। वह नम्रतापूर्वक बोला, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई है। मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। आज से आपको कभी कुछ कहने का अवसर नहीं दूंगा। ये आपने परिच्छेद देखा, हमने पढ़ा और आपको ये परिच्छेद अपनी नोटबुक में ऐसे ही सब जगह जहाँ पे कि प्रश्न चिन्ह होता है, फिर पूर्ण विराम होता है, ये सब कुछ ऐसे ही करके अपनी नोटबुक में इसको लिखना है, ठीक है। तो ये जो हमारा दूसरा प्रश्न था कि हमको परिच्छेद जो दिया गया है उसको अपनी नोटबुक में आपको अच्छी तरह से लिखना है, यही आपका होमवर्क है। थैंक यू।